हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। और अभी हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, चैप्टर फर्स्ट खत्म कर लिया हमने क्लास 11th का। और आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस की पहली क्लास है। तो सबसे पहले आपको बताऊं जी, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहली क्लास जब मैंने बेसिक्स की ABCD बताई थी, वहां पे एक क्लास मैंने बताया था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और उस पर आपके पास एक चैप्टर आएगा, दैट वन। ये है वही चैप्टर। क्या होता है देखो, हर एक ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होता है वो एटलीस्ट दो जगह पड़ता है। तो इस चैप्टर में यही सीखना है कि ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो जगह कहां कहां पड़ा है, वहां आपको प्लस एक तरह से रफली अकाउंटिंग कह सकते हो इसको। तो हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कंक्लूसिव कि ट्रांजेक्शन के जो इफेक्ट पड़ते हैं किस किस चीजों पर और कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो पहले हम पहले जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस से इफेक्ट पड़ेगा। थोड़े वर्ड जानेंगे, एक साथ सारे कुछ नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे। फिर उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगी, हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए ना, तो वो भी हम सीखेंगे। तो करते स्टार्ट चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, और दिस वाज लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, पहले समझो बात को। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो उसका दो जगह इफेक्ट पड़ता है, एक होता है डेबिट एक क्रेडिट, मैंने बताया था। तो यहां डेबिट क्रेडिट दो ही साइड क्यों बनाई गई थी, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ता है, इसलिए दो साइड कही गई, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो अभी डेबिट क्रेडिट साइड से तो कोई मतलब नहीं है, वो जनरल टेज में आएगा। अभी फिलहाल दो जगह इफेक्ट कहां का पड़ेगा वो पड़ेगा बात करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो जहां पर भाई साहब एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, आप गौर करेंगे कि कहां कहां पॉइंट्स का इफेक्ट पड़ेगा। पहला पॉइंट, फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखेंगे उसके बाद। पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस। देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमने कुछ एसेट्स लगाया होगा, कैश लगाया होगा, बैंक लगाया होगा, या कोई गुड्स वुड्स कुछ एसेट्स लगाया, तो जो भी चीज लगाई वो प्लस होगी। और दूसरा जगह जो इफेक्ट पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल में प्लस होगा। यानी जैसे कि मान लो हमने क्या स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस आपने कैश के साथ स्टार्ट किया, तो एक बिजनेस में कैश आया तो कैश एसेट्स में कैश प्लस हो जाएगा, एक एसेट्स में प्लस हुआ आपका कैश नाम से, और दूसरा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, पहला पॉइंट, ये सब पॉइंट आपके काम आएंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पॉइंट टू, परचेज गुड्स। तो गुड्स खरीदेंगे तो कहां का इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स खरीदा तो आपके बिजनेस में गुड्स आएंगे तो गुड्स में प्लस कर दोगे। आप गुड्स खरीदने में दो बातें हो सकती है, या तो कैश में खरीदा होगा या फिर क्रेडिट में खरीदा होगा। तो एक तो गुड्स खरीदा तो गुड्स में प्लस हो गया, दूसरा अगर कैश में खरीदा आपने, किसमें मैं यहां से डिजाइन कर देता हूं, अगर आपने कैश में खरीदा है तो कैश कम हो जाएगा तो कैश से माइनस। तो गुड्स अगर आपने कैश में खरीदा है, कैश में, तो आपके गुड्स में हो गया प्लस और कैश से हो गया माइनस। वही अगर आपने उधार खरीदा है तो कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गुड्स में प्लस और एक लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिटर, यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो लिखा है मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। अब जो यहां राम का नाम दिया है, अब आपको नाम दिया तो पता थोड़ी चल रहा है कैश या क्रेडिट, से लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अब कहां पता चला कि हमने राम से कैश में खरीदा है क्रेडिट में खरीदा है। तो जब किसी पर्सन का नाम दिया हो और आपको पता ना चले कैश या क्रेडिट, तो आपको मानना क्रेडिट में खरीदा। तो मशीन खरीदा आपने भाई साहब क्रेडिट हो, तो आप बता सकते हो जैसे गुड्स का था वैसे मशीन का होगा। एक तो एसेट्स आएगा मशीनरी नाम से प्लस हो जाएगा मशीन में, और उधार है तो क्रेडिटर लायबिलिटीज होगी, मतलब लायबिलिटीज बढ़ेगी किस नाम से, राम नाम से, प्लस हो जाएगा। कैश में होता तो कैश से माइनस कर देते। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ठीक है लिख लो आप ये छोटे छोटे पॉइंट से ध्यान रखना। चौथा पॉइंट, कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं, एक्सपेंसेस पेड, तो देखो याद रखना कोई भी अगर हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस का कॉलम नहीं होता आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स का कॉलम होता है, लायबिलिटीज का कॉलम होता है, कैपिटल का कॉलम होता है, बस तीन ही कॉलम है। तो एक्सपेंस को कहां से एडजस्ट करोगे, तो एक्सपेंस को एडजस्ट किया जाता है भाई साहब कैपिटल से। तो कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, एक तो आपने कैश पे किया तो कैश में से माइनस, और दूसरा एक्सपेंस बिजनेस के लिए लॉस है तो कैपिटल में से माइनस। पांचवा, अगर कोई आपको इनकम मिलती है, इनकम रिसीव
तो कैश मिला, कैश में प्लस, इनकम मिला तो कैपिटल में भी प्लस। तो आज के लिए फिलहाल हम ये छोटे छोटे पांच पॉइंट्स बात करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन, ठीक है, ये पॉइंट्स आप देख लो एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है स्टार्ट किया बिजनेस, दूसरा था परचेज करने का गुड्स, कोई एसेट्स हो सकता है मशीन की जगह, कोई और भी एसेट्स हो सकता है, एक एक्सपेंस और इनकम। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे इसका। फिलहाल तो लिखा है अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना, आपको क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। अभी हम बुक पे नहीं आए, बुक पे आएंगे आराम से। अभी हम मेरी तरफ से एग्जांपल है, एग्जांपल फ्रॉम संजीव गिरी क्लास, मतलब संजीव गिरी बुक्स कह सकते हो। तो पहला एग्जांपल आपके लिए, तो पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मान लो 1 लाख। आज मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, बिल्कुल बेसिक से आपका। दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तीसरा मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट 30,000। चौथा सैलरी पेड 2,000। पांचवा कमीशन रिसीव 3,000। इतने सारे पॉइंट दिए, पांच पॉइंट बोला, इनसे हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना है। तो बात आती है अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे। तो पहले देखो फॉर्मेट, फॉर्म का सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, फिर एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन का अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो देखो पहला पॉइंट आपका जो था, पहला पॉइंट था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। बिजनेस स्टार्टेड, यहां पॉइंट डालेंगे, यहां रखना फॉर्मेट कैसे है, यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। देखो बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, एक तो बिजनेस में कैश आया 1 लाख रुपए का। अब मैंने एक बात आपको और बताई थी कि स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं वो आपकी कैपिटल होती है, यानी लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल हो गया 1 लाख। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हमने लिखा सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन का नाम लिखा, क्या कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया और जो पैसा लगाते हैं कैपिटल, तो कैपिटल। पहले आपको दो पॉइंट करने होते हैं, तो हम दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहले एक साथ दो पॉइंट होंगे, मशीन परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में, पॉइंट नंबर सेकंड डालेंगे परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा कैश में, तो एक गुड्स आ गया यानी स्टॉक आ गया आपका, कितने का खरीदा भाई, तो 20,000 रुपए, तो 20,000 गुड्स में प्लस हो गया और कैश में से हो जाएगा माइनस, और कहीं फर्क नहीं पड़ा, बाकी जगह जीरो। ठीक है, पॉइंट्स बताइए, हमने गुड्स खरीदा कैश में तो क्या हुआ, कैश में गुड्स खरीदा तो कैश से माइनस और गुड्स में प्लस। जब आपके पहले दो पॉइंट, पहले आपको दो इक्वेशन करने, दो पॉइंट हो जाएंगे तो फिर आप बनाओगे नई इक्वेशन। तो देखो कैश था 1 लाख का, 20,000 खत्म तो 80 बचा, 20,000 के गुड्स का इक्वेशन देखो बराबर होगी, लायबिलिटी जीरो है और ये 1 लाख, इक्वेशन इक्वल है। तो आपको क्या करना है, पहले दो पॉइंट करना फिर इक्वेशन बनाना है। इसके बाद का जो फॉर्मेट है, यार ये फॉर्मेट के लिए सिखा रहा हूं क्वेश्चन। तीसरा मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, मशीन खरीदा उधार में, मशीनरी परचेज। देखो उधार में अगर मशीन खरीदोगे तो एक तो आपके बिजनेस में मशीनरी आई, एक नया एसेट, 30,000 रुपए की मशीन आ गई, और उधार में खरीदा तो लायबिलिटीज भी आ जाएगा 30,000 का क्रेडिटर, बाकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बाकी जगह जीरो। ठीक है भाई, अब देखो पहले आपने क्या किया था, दो ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बनाया था, क्योंकि कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं, लेकिन इसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बनेंगे। तो एक ट्रांजेक्शन से इक्वेशन, देखो कैश 80 का 80 का 80 लाख, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गुड्स 20,000 के हो गए, मशीनरी 30,000 का हो गया, क्रेडिटर 30,000 का, और 1 लाख रुपए कैपिटल। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते। तो चौथा पॉइंट आपका सैलरी पेड 2,000, सैलरी पेड, तो सैलरी का एक्सपेंस, तो कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, एक तो कैश पे किया तो कैश से माइनस, और एक्सपेंस पे करना बिजनेस का लॉस है तो कैपिटल से माइनस, अभी मैंने बताया था आपको। तो कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, सैलरी रेंट कमीशन, कोई भी एक्सपेंस पे अगर आप करते हो तो एक तो आपको कैश से घटा देना है और दूसरा आपको उसको इनकम से घटा देना है, मतलब कैपिटल से घटा देना। तो 78,000 हो गया, ये इक्वेशन बनाएंगे अब, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बनाना है। तो एक क्वेश्चन आप करना जिससे आप सीखोगे कि फॉर्मेट कैसा बन रहा है भाई साहब। 300 रुपये ये हो गया और एक ये हो गया 98,000।
अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 था कमीशन रिसीव 3000। देखो इनकम, कोई भी इनकम, एक तो कैश आया, कैश में प्लस, और इनकम कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा तो कैपिटल में प्लस, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो बाकी जगह जीरो। तो बेसिक क्लास है तो मैं बेसिक्स का क्वेश्चन लिया है, बेसिक्स इससे आपको देखो दो चीजें, एक तो इक्वेशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा और दूसरा ये फॉर्मेट, ये किस फॉर्मेट में आपको करना है, फॉर्मेट भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन करोगे, दो तीन क्वेश्चन करोगे तो आप जाके समझ सीख पाओगे कि हाँ ऐसा फॉर्मेट है, क्योंकि नई चीज आपके लिए बिल्कुल ये 81, 20, 30 इक्वेशन देखो इक्वल होगी, यहाँ इक्वल नहीं है तो कहीं भी तो गलत है, और यहाँ तो इक्वल आएगी। अगर इक्वल नहीं आती कभी आपके क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन, इसका मतलब आप कहीं पर गलती कर रहे हो। इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ आपको पॉइंट्स। पहला था बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश और कैपिटल, पहला पॉइंट। दूसरा था परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में तो कैश कम हो गया, गुड्स बढ़ गया तो गुड्स में प्लस कर दिया, नया कॉलम कैश से माइनस कर दिया। फिर था मशीनरी खरीदा तो एक मशीन नाम का एसेट, उधार खरीदा तो लाइबिलिटीज आई। ठीक है, उसके बाद था हमने सैलरी पे किया, कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस कोई भी एक्सपेंस। फिर आपको इनकम कमीशन मिला तो कोई भी इनकम मिलेगा कैश में प्लस कैपिटल प्लस, वैसे के साथ क्वेश्चन हो गया। तो पहले याद रखना, पहले दो ट्रांजेक्शन करनी है, फिर इक्वेशन बनाना है, फिर एक ट्रांजेक्शन, फिर इक्वेशन, फिर एक ट्रांजेक्शन, फिर इक्वेशन, फिर एक ट्रांजेक्शन, फिर इक्वेशन। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपके बुक पे पहला पॉइंट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 30,000। अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं दो चीजें, एक लाख रुपए कैश, 30,000 के गुड्स। दूसरा, बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट 20,000। तीसरा पॉइंट, सैलरी पेड 1,000। चौथा पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। पांचवा पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। ठीक है, नया पॉइंट है डेप्रिसिएशन, क्या होगा देख लेंगे। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है और इसका आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना है। बनाते सीरियल नंबर, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो करते स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आपका है स्टार्टेड बिजनेस, और स्टार्ट करते हैं दो चीजें लगाई है, स्टार्टेड बिजनेस। तो बिजनेस में एक तो कैश लगाया भाई साहब 1,00,000 रुपए का, और दूसरा हमने स्टॉक यानी गुड्स लगाया था 30,000 का। तो स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगाते हैं वो कैपिटल होता है, और यहाँ पे हमने 1,00,000 रुपए कैश लगाए, 30,000 के गुड्स लगाए, यानी हमने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया लायबिलिटीज तो जीरो है, 1,30,000 रुपए कैपिटल लगाया। यहाँ पे पांच चीज होती है तो पांचों को जोड़ के कैपिटल में आता। तो इससे आपने एक चीज सीखी कि स्टार्टिंग में जो भी पैसा आप लगाओगे टोटल अमाउंट कैपिटल में इफेक्ट करेगा, चाहे वो जो भी चीज हो। तो जो जो लगाएगा वो यहाँ आएगा टोटल कैपिटल। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते, सेकंड पॉइंट देखो क्या था, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग खरीदा 20,000 का क्रेडिट में, बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग परचेज, उधार में बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग खरीदोगे तो एक तो आपके पास बिल्डिंग आएगी 20,000 की, भाई बिल्डिंग हो गई। उधार खरीदा तो बाद में पैसा देना होगा, क्रेडिटर फॉर बिल्डिंग या वेंडर फॉर बिल्डिंग, 20,000 की लायबिलिटीज। पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर होगा। क्या था पॉइंट? तो पॉइंट था आपका कि आपने बिल्डिंग खरीदा क्रेडिट में, तो एक तो बिल्डिंग आ गई, तो बिल्डिंग मतलब नया एसेट्स का कॉलम बन गया, और लायबिलिटीज की उधार है। अब देखो न्यू इक्वेशन आ गए, ये थर्ड पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, लिखा है सैलरी पेड 1,000। सैलरी पे क्या, सिंपल है, कोई भी एक्सपेंस पे करने की एंट्री आप जानते हो, सैलरी पे किया 1,000, सैलरी पे किया 1,000 रुपए तो 1,000 रुपए कैश से माइनस, और कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो आपको उसको कैपिटल से एडजस्ट करना है तो कैपिटल से माइनस। तो सैलरी पे किया, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस, देन फिर इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो ये हो गया 99,000, ये हो गया 30,000, ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया 1,29,000।
1000। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15000। देखो ध्यान से, ये पॉइंट है सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचोगे भाई तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैश में बेचा तो आपका कैश बढ़ जाएगा। परचेज का हुई था, परचेज करते तो कैश ज्यादा था और गुड्स आते थे, यहां बेच रहे हैं तो पैसा आएगा और गुड्स जाएंगे। तो बस यही करना आपको, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा तो गुड्स में से कितना बेचा है 15000, तो 15000 रुपए गुड्स से माइनस हो गए और कैश मिला होगा तो कैश में प्लस हो गया। वो अगर मान लो मैं उधार बेच देता, लिखा होता सोल्ड गुड्स उधार में, जैसे उधार खरीदते तो लाइबिलिटीज बढ़ती है, उधार बेचेंगे तो मतलब बाद में पैसा लेना होगा तो आपका डेटर आ जाता। आएंगे पॉइंट आगे, एक ही दिन तो सब नहीं सीख जाओगे। तो देखो 99, 100, 114, 114000, 15000, 20000, 20000 और 129। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा, आप देखो अगले पॉइंट पे आते हैं, पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ, लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखो 10% बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला है, तो देखो बिल्डिंग आपके पास 20000 की है, सीधी बात है 20000 की आपकी बिल्डिंग है और बोला है 10% इस पे डेप्रिसिएशन है, निकाल दो भाई 10% डेप्रिसिएशन। बोल के सर 2000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब कुल मिला के क्या है कि बिल्डिंग पे 2000 का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग गया तो डेप्रिसिएशन लगने का मतलब क्या, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, तो एक तो आपने बिल्डिंग से घटाया, ध्यान नया पॉइंट ध्यान से देखना, तो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन लगा, बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई, बिल्डिंग से माइनस किया, और डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या एक्सपेंस, और एक्सपेंस यानी लॉस, और लॉस का असर जैसे होता है बोलोगे सर कैपिटल से, तो बस ये करना है। और बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन लगा बिजनेस के लॉस है तो कैपिटल से कर देंगे एडजस्ट। इसके बाद आ जाएगा आपका न्यू इक्वेशन और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 114000 आपका कैश हो गया, 15000 रुपए आपके गुड्स हो गए, इक्वेशन हमेशा बराबर होगी, ध्यान रखना 18000 ये हो गए, 20000 ये कि कहीं भी जोड़ोगे 20000 ये हो गए, और ये दो जगह डालो 127 ये हो गए, मतलब यहाँ जोड़ो 127 प्लस 20 147, इधर का जोड़ोगे तो भी 147 होगा, 15 30 40 45 48 47, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ देखो कहीं भी जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो तो वहीं सेम होगा। देखो पहला पॉइंट इसको एक बार दोबारा समझा दो आपको, कहीं भी जोड़ोगे सेम आएगा, बात ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन देखो, पहला पॉइंट हमने स्टार्ट किया, 1,00,000 कैश लगाया, 30,000 गुड्स लगाया, तो 1,30,000 कैपिटल पहला पॉइंट, बिल्डिंग खरीदा उधार में तो बिल्डिंग आया और लाइबिलिटीज आई, फिर आपने क्या किया सैलरी पे कैश से माइनस कैपिटल से माइनस, फिर लिखा था आपने क्या किया 15,000 गुड्स बेचे, गुड्स बेचे गुड्स कम कैश प्लस, ठीक है, और उसके बाद था हमने डेप्रिसिएशन लगा बिल्डिंग पे, तो जैसे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, बिजनेस के लॉस है तो कैपिटल कम हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। तो आज फिलहाल दो ही क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप करना घर पे, और अगली क्लास में मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन दूंगा, मैं थोड़ा एक दो होमवर्क लिख देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है, और अगली क्लास के लिए ये करके रखना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, सैलरी पेड 1,000, इंटरेस्ट पेड 2,000, कमीशन रिसीव 3,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसे घर पे खुद से करना, और लास्ट इक्वेशन मुझे बताना कि कैपिटल कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक में नहीं होगा, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो फिलहाल आपने जितना सीखा उसको इंप्लीमेंट करो, इन तीन क्वेश्चनों को आप खुद से करो, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और कोई परेशानी होती है तो हम यहाँ बैठे आपके लिए, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है, और ये है हमारा सेकंड लेक्चर अकाउंट इक्वेशन का। लास्ट लेक्चर हमने पहले लेक्चर में कुछ चीजें देखी थी, आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ अच्छे टॉपिक्स, कुछ अच्छे पॉइंट्स की आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आपका जो टॉपिक है, कुछ बातें मैं बता दूं। सबसे पहला पॉइंट, चार पांच पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आज कुछ पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट लिखा है, मान लो सोल्ड गुड्स
फॉर कैश 10,000, हमने गुड्स बेचा कैश में 10,000, देखो कहां का इफेक्ट पड़ेगा, अगर गुड्स बेचोगे कैश में तो क्या होगा, कैश प्लस होगा, गुड्स माइनस हो जाएगा। वही कैश की जगह उधार बेच, मान लो कैश की जगह क्रेडिट होता तो बस कैश में इफेक्ट ना पड़ के डेटर में प्लस हो जाता, यही होता। गुड्स बेचोगे कैश में तो कैश बढ़ेगा, गुड्स माइनस होगा, उधार बेचोगे तो कैश नहीं मिलेगा, डेटर आ जाएगा। लेकिन मान लो पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर दो, लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 15,000। अब पॉइंट ये आ गया कि आप 10,000 का गुड्स 15,000 में बेच रहे हो, ध्यान से देखना, आपने गुड्स बेचा तो आपके गुड्स माइनस हो जाएंगे 10,000 से, बट आपको जो कैश मिलने वाला है वो मिलने वाला है 15,000, तो 10,000 गुड्स से माइनस, 15,000 आपको कैश मिला तो कैश में प्लस। अब आपका हुआ है सर फायदा, तो फायदा जाता है कैपिटल में, तो 5,000 रुपए कैपिटल में प्लस हो जाएगा जो भी आपका फायदा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? कुछ ऐसे उठपटांग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करने वाला हूं। अगला, अगर हम कोई एक्सपेंस पे करते, एक्सपेंसेस पे, तो आप जानते हो एक्सपेंस पेड होता है, तो हम जानते हैं अब क्या होता है एक्सपेंस पेड में भाई, तो बोल गए सर एक्सपेंस पे होता है, तो एक तो कैश पे किया तो कैश में से माइनस, और जितना आपने पे किया है एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस। लेकिन मान लो एक्सपेंस पे ही नहीं किया होता तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो एक तो लॉस है तो कैपिटल से माइनस होगा भाई, और पे करना बाकी है तो ये आपके लिए लायबिलिटीज होगी, लायबिलिटीज में कॉलम बनेगा। तो एक्सपेंस अगर पे किया तो कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस, पे करना बाकी है दैट इज लायबिलिटीज, तो एक लायबिलिटीज और कैपिटल से माइनस। और कभी कभी हम इसका उल्टा भी तो कर देते, एक्सपेंस एडवांस पे कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, तो आपको एडवांस वर्ड भी लिखा हो सकता है। तो अगर एडवांस में पे करेंगे तो एक तो कैश पे किया तो कैश से माइनस, और एक नया एसेट्स बनेगा कॉलम प्रीपेड का, क्योंकि आपका एक नया एसेट्स आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, तो नया कॉलम बनेगा एसेट्स में। तो एक्सपेंस में तीन कंडीशंस हो सकती है, पे करा तो क्या इफेक्ट है कैश और कैपिटल से माइनस, पे करना बाकी है तो लायबिलिटीज और कैपिटल से माइनस, आगे का पे कर दिया तो लॉस नहीं है, तो एक तो कैश पे किया कैश से माइनस, और आगे का पे किया तो आपके लिए एक नया कॉलम आ गया एसेट्स का। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक इनकम के ऊपर भी हो सकता है। तो अगर इनकम रिसीव होती है तो आपको पता है क्या होता है, तो बोलोगे हाँ सर इनकम रिसीव होती है, तो एक तो हम कैश में प्लस करते हैं और दूसरा कैपिटल में भी क्या करते हैं प्लस करते हैं, वेरी गुड, यही होता है। लेकिन वही अगर इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाए तो एडवांस इनकम रिसीव, और तीसरा अगर मिलना बाकी हो, अक्रूड इनकम मिला ही नहीं, तो अगर एडवांस मिल गया तो एक तो आपको पैसा मिला तो कैश में प्लस, बट ये आपका इस माल का इनकम नहीं आगे का है, तो एडवांस इनकम मान लियो कि लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में प्लस होगा एक नया कॉलम एडवांस इनकम जो भी होगी वो, ठीक है। और अगर मिलना बाकी है तो एक तो आपको इनकम है तो कैपिटल में प्लस, बट वो मिला ही नहीं तो आपके एक नया एसेट्स में नया कॉलम बनेगा, मिलना है तो एसेट्स में नया कॉलम आएगा अक्रूड इनकम का। तो इनकम में देखो तीन बात हो सकती है, इनकम अगर मिलता है तो कैश में प्लस, कैपिटल प्लस, मिलना बाकी है तो कैपिटल प्लस, और एक नया कॉलम एसेट्स में, क्योंकि मिला नहीं, मिल गया तो कैश में, आता नहीं मिला तो नया एसेट्स, और एडवांस अगर मिल जाए तो कैश में, और आपके लिए एडवांस इनकम एक लायबिलिटीज होती है। क्लियर यहां तक? एक पॉइंट और, ये पॉइंट भी जैसे मान लो लिखा है, मान लिखा है पेड टू क्रेडिटर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और मान लो उसको आपको देना था 18,000 और आपने पे किया सिर्फ 17,000 मान लो, ठीक है 17,000 आपने पे करा और उसका अकाउंट जो था 18,000 पूरा सेटल हो गया, तो इसका देखो कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखना, ऐसे पॉइंट आएंगे आपके क्वेश्चन के अंदर। सपोज करो आपका क्रेडिटर जो है 18,000 का है, अब इसको बोला गया कि हमने 17,000 पे किया फुल सेटल, देखो अगर पे किया तो कैश से तो 17,000 माइनस होगा क्योंकि कैश पे किया, लिख लिखा फुल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर पूरे खत्म, तो आप पूरा का पूरा क्रेडिटर घटा दोगे और आपको इसकी वजह से 1,000 रुपए का फायदा होगा, तो
तो वो कैपिटल में प्लस होगा। तो कभी फुल सेटलमेंट वाला वर्ड आता है तो उस डेब्ट को पूरा कटा देना, जितना पैसा पे किया पैसा गया और जो बेनिफिट हुआ आपका वो कैपिटल में सेट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 lakh एंड गुड्स 20,000। दूसरा पॉइंट है हाफ ऑफ गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तीसरा पॉइंट है रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000। चौथा पॉइंट है एडवांस कमीशन रिसीव 2,000। और पांचवा पॉइंट है डिपॉजिट इनटू बैंक 30,000। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, तो इसका बनाते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट पड़ा है सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस और एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया और क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 lakh एंड गुड्स 20,000। तो लिखिए पहला पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो कैश 1 lakh गुड्स 20,000 और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं टोटल होता है कैपिटल, तो 1 lakh 20,000 का कैपिटल हो गया। दूसरा पॉइंट था हाफ ऑफ द गुड्स। तो देखो गुड्स जो हमारे पास है, गुड्स हमारे पास 20,000 के, लिखा इसका हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा भाई, यानी 10,000 के गुड्स बेच रहे हैं और बोला 20% प्रॉफिट, यानी 2,000 प्रॉफिट, यानी हमने कितने बेच रहे होंगे 12,000, यानी कुल मिला के लाइन ये है कि 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच रहे हैं। हो गया, आप जानते हो, हाँ सर हो गया हमसे, तो जब 10 के गुड्स अगर 12 में बेचेंगे आप जानते हो वही करना है सोल्ड गुड्स। 10,000 के गुड्स बेचे तो 10,000 गुड्स से माइनस 12,000 कैश मिला, तो 12,000 कैश में प्लस फायदा हुआ, तो बोल गया हाँ सर फायदा हुआ, कितने का? तो बोल गया सर 2,000 का, 2,000 का कैपिटल प्लस हो गया। देन फिर न्यू इक्वेशन हो गया 112,000 10,000 0 और 1,22,000। अगला पॉइंट देखो क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट कितना था 3,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। तो एक तो बोल गया सर आउटस्टैंडिंग, एक तो लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 की लाइबिलिटीज और एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस, यही होता ही है पॉइंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, एक लाइबिलिटीज और कैपिटल से माइनस। देन फिर न्यू इक्वेशन 112,000 10,000 3,000 की लाइबिलिटीज और ये हो गया 119,000। अगला पॉइंट नंबर 4 है, वो लिखा एडवांस कमीशन रिसीव, एडवांस में इनकम मिल गया, एडवांस कमीशन रिसीव कितना मिला भाई 2,000 रुपए एडवांस इनकम, एडवांस इनकम एक तो कैश मिला तो कैश में प्लस, एडवांस इनकम आपके लिए क्या होती है एडवांस इनकम लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में एक 2,000 का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एडवांस में इनकम मिला तो एक तो कैश में प्लस और एक नया कॉलम आ गया लाइबिलिटीज में, नई लाइबिलिटीज। फिर न्यू इक्वेशन तो 114,000 फिर ये 3,000, यहां तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ये 2,000 ये 119,000। अगला क्या पॉइंट है, तो लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक, जानते हो डिपॉजिट इनटू बैंक, हाँ सर बैंक बढ़ेगा कैश है कम, डिपॉजिट इनटू बैंक तो कैश में से 30,000 माइनस कर देंगे और एक नया कॉलम आ जाएगा बैंक का जो कि पहले से तो नहीं था, जीरो था 30,000 का बैंक का कॉलम बन जाएगा,
बाकी जगह इफेक्ट पड़ेगा जीरो 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 जीरो। फिर हम नया कॉलम बना के न्यू इक्वेशन बना देंगे। तो ये 3 3 घटा दो तो 30, 8 4 11 हाँ 84, 10,000, 30,000, 3,000, 2,000 और 1,190। समझ गए आप बात को? तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ इसको। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं हिसाब से आप चीज़ों को समझ गए हो गए। तो मैंने इसमें कुछ जो क्वेश्चन तो मैंने बस कराया कि जस्ट आपके प्रैक्टिस के, लेकिन जो काम की बात थी वो ये थी, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये जो पॉइंट्स लिखवाया ना बहुत काम के, रेंट रिसीव में, इनकम के केस में, एक्सपेंस के केस में, वो स्टार्टिंग के, इनके स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहले जो पहले दो केस थे, मतलब गुड्स बेचने की कंडीशन बताई मैंने आपको, फिर ये एक्सपेंस की कहानी 3, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इनकम की कहानी 3, और ये जब प्रॉफिट वर्सेस वाली बात आई, फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया। तो आई होप चीज़ों को आपके चीज़ों को समझ आया होगा, तब इन चीज़ों को, इन क्वेश्चनों को इंप्लीमेंट करो, और स्टार्टिंग के बुक के पहले 5 क्वेश्चन करके देखो, आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। कोई परेशानी होती है तो हम यहाँ बैठे हैं ना आपके लिए, कराएंगे बताएंगे आपको, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं, बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोग का स्वागत है, और आज हमारा 3rd लेक्चर अकाउंट इक्वेशन का, और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं आपके। 3 नंबर का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आता है, यहाँ से टॉपिक अकाउंट इक्वेशन बनाने को 3 से 5 नंबर का, और सिलेक्टिव है, जितने मैं 4-5 लेक्चर में कराऊंगा उसी में से आने वाला, कुछ नया नहीं आएगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं, और आपके लिए अगली क्लास में होमवर्क रहेगा बुक का, 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक के क्वेश्चन बुक के सारे करने आपको। जो डाउट्स होता है कमेंट करना, नेक्स्ट सेक्शन नए वाले पॉइंट, मतलब अगले लेक्चर में हम उसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो होमवर्क याद रखना, 1 to 10 TS अग्रवाल की बुक से 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके होमवर्क है। पहले 3 लेक्चर में आप इतना सफिशियंट समझ गए हो चीज़ों को कि आप ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डाउट्स आ रहा है तो वो हम बैठे हैं यहाँ पे आपके लिए, करते स्टार्ट। तो आज देखो, ये मेरा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या क्या बोला हुआ है, फिर हम स्टार्ट करेंगे खिचड़ी बनाना। पॉइंट है पहला, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश के साथ, पहला पॉइंट है। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, 20,000 का गुड्स कैश में खरीदा, 30,000 का उधार, ठीक है। मशीनरी परचेज फॉर कैश 30,000, मशीन खरीदा है कैश में 30,000 रुपए का। फिर लिखा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड 15,000, 10,000 के गुड्स 15,000 में हम बेच रहे हैं। और अगला पॉइंट है, पेड टू क्रेडिटर 20,000, क्रेडिटर को हमने 20,000 रुपए पे किया और सैलरी पेड 1,000। ये आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ये सब मेरी बुक्स है, मतलब संजीव गिरी क्लासेस के हिसाब से, संजीव गिरी के माइंड से निकले हुए क्वेश्चन, और ये आएंगे आपके एग्जाम में, पक्की बात आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो देख लो क्वेश्चन को, करते स्टार्ट हम इसको, काउंट बनाते हैं फटाफट। सीरियल नंबर फॉर्मेट आपको पता ही है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस करंट। ये अकाउंट इक्वेशन का हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं, पॉइंट्स में जो जो आ रहा है चीजें भेजते रहेंगे और करते रहेंगे। देखो पहला पॉइंट है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार्ट बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए तो कैश आ गए, और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है वो होता है कैपिटल, तो 1 लाख रुपए से आपका कैपिटल आ गया। मेरे हिसाब से इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा, बोल के सर हाँ ये तो पहले वाला ही है, ठीक है। अगर परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, हमने गुड्स खरीदा कैश में 20,000, क्रेडिट में 30,000। दूसरा पॉइंट है परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा, देखो ध्यान से देखने वाला पॉइंट अच्छा है, गुड्स खरीदा हमने, पहले से था नहीं, देखो हमने 20,000 का गुड्स कैश में खरीदे तो 20,000 से कैश माइनस हो गया, 30,000 का गुड्स उधार खरीदा तो आप बोलोगे सर उधार खरीदा तो क्रेडिटर हो जाएगा, बिल्कुल सही, और टोटल हमारे पास 50,000 के गुड्स आ गए, 50,000 जीरो ज्यादा लग गया ना, 50,000। देखो पॉइंट ये था कि 20 के गुड्स कैश में 30,000, 20 के गुड्स आपने कैश में कर दे, 30 के उधार, कुल मिला के 50,000 के गुड्स कर दे तो 50,000 से गुड्स है, 20,000 कैश पे किया तो कैश से माइनस, 30,000 उधार है तो लायबिलिटीज, और कहीं कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, बाकी जगह जीरो। जब दो पॉइंट हो जाते हैं तो हम लाइन खींच के क्या बनाते हैं, तो बोलोगे सर न्यू इक्वेशन बनाते हैं, तो वेरी गुड, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैश हो गया आपका 80,000,
50,000 के आपके गुड्स हो गए, 30,000 का आपका क्रेडिटर है और 1,00,000 रुपीज का आपका कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है मशीनरी परचेज फॉर कैश 30,000, मशीनरी परचेज फॉर कैश 30,000। थर्ड पॉइंट मशीनरी परचेज। देखो 30,000 का मशीन खरीदा कैश में, कैश में अगर मशीन खरीदोगे तो भाई कैश तो कम हो जाएगा और एक नया एसेट्स आ जाएगा मशीनरी। तो हमने कैश कम कर दिया और एक नया एसेट्स मशीनरी के नाम से दिखा दिया, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह जीरो। क्या था, हमने मशीन खरीदा था किसमें, तो कैश में। तो जैसे ही हमने कैश में मशीन खरीदा तो हमारा कैश हो गया कम और मशीन का एक नया कॉलम बन गया, नया एसेट्स आ गया मशीनरी। हमने क्वेश्चन देखो भाई, 50,000 रुपए कैश आपके पास, 50,000 रुपए के आपके पास गुड्स है, 30,000 की हमारे पास मशीनरी है, 30,000 रुपए का क्रेडिटर है और 1,00,000 रुपए का हमारे पास कैपिटल है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो अगला पॉइंट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 15, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट सोल्ड गुड्स, हमने क्या किया भाई, तो हमने क्या किया 10,000 के गुड्स 15,000 में बेच दिए। तो देखो जैसे हमने 10,000 के गुड्स बेचे, 10,000 गुड्स से माइनस 15,000 में बेचे तो 15,000 कैश मिला। अब बोल के सर फायदा भी हुआ, कितने का, 5,000 का, जो फायदा होता है वो कैपिटल में। ये पॉइंट पुराना ही है, क्या था 10,000 के गुड्स 15,000 में बेचे, तो 10,000 के गुड्स बेच दिए तो 10,000 गुड्स से कम, 15,000 रुपए पैसा आया तो कैश में प्लस और 5,000 का फायदा है वो कैपिटल। बिल्कुल स्मूथली करना आराम से, कोई परेशानी या दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। फिर बनाएंगे न्यू इक्वेशन। अब देखो 65,000 ये हो गया, 40,000 के गुड्स हो गए, 30,000 आपके पास मशीनरी है, 30,000 की लाइबिलिटीज है और 105,000 का आपका कैपिटल है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका पेड टू क्रेडिटर 20,000, पेड टू क्रेडिटर 20,000, पांचवा पॉइंट है पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को आप पे करो, देखो क्रेडिटर को जैसे आप 20,000 रुपए पे करोगे 20,000 आपका कैश कम हो जाएगा, और क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर भी आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पॉइंट ठीक है, क्वेश्चन लिखा था पेड टू क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर की पेमेंट करी, कर दो ना भाई पेमेंट, पेमेंट करोगे पैसा जाएगा तो कैश में से माइनस हो गया, और क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर भी कम होंगे तो क्रेडिटर में से माइनस हो गया। फिर क्वेश्चन अब जो कहता हूँ 45 हो गया, 40, 30, 10,000 और 105,000। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अगले 6 पॉइंट की तरफ, 6 पॉइंट है आपका सैलरी पेड, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, सैलरी पे किया हमने, तो सैलरी पे कितना पे किया भाई, 1,000 रुपए सैलरी पे किया, तो कोई भी एक्सपेंस करेंगे, एक तो कैश पे किया कैश से माइनस और दूसरा कैपिटल से माइनस, बाकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जगह जीरो। क्लियर आपके लिए, फिर हम क्या करेंगे लाइन खींचेंगे और नई इक्वेशन बना देंगे, देन फिर न्यू इक्वेशन। तो ये देखो 44 हो गया, ये 40,000, थोड़ा बढ़ा दे इसको, ये 30,000, ये 10,000 और ये 104,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये आपका एक अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन था, कुछ पॉइंट थे इसमें, अच्छा पॉइंट है, एक तो ये सोल्ड गुड्स वाला पॉइंट अच्छा था, सेकंड पॉइंट अच्छा था, पेड थी कुछ पॉइंट थे, तो एक क्वेश्चन था काफी अच्छा पॉइंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना चीजों को, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिक्कत हो तो हम बैठे आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे बुक में जो आपको दिया ना 1 से 10 तक करने के लिए, उसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पॉइंट समझ लेते हैं। लिखा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, मतलब 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 18,000 उधार में गुड्स खरीदा, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पे करना बाकी 1,000 रुपए, प्रीपेड रेंट एडवांस में रेंट पे कर दिया 2,000 और पेड टू क्रेडिटर 17,500 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, क्रेडिटर को 17,500 पे किया उसका फुल सेटलमेंट हो गया। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को कराता हूं मैं, आपका सेकंड क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, मतलब पहला पॉइंट डालेंगे स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए कैश के साथ, तो 1,00,000 रुपए का कैश आ गया और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं वो होता है भाई साहब कैपिटल, तो 1,00,000 से ही आपकी कैपिटल आ गई। सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदा, सेकंड पॉइंट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट,
उधार में गुड्स खरीदा, बोल के सर एक तो गुड्स खरीदा यानी स्टॉक आएगा आपके पास, बिल्कुल सही। तो 18,000 का गुड्स आया उधार है, तो बोल के सर लाइबिलिटीज आएगी किस नाम से, तो सर क्रेडिटर। ठीक है, क्या था उधार में गुड्स खरीदा, तो एक गुड्स और दूसरी लाइबिलिटीज। फिर इक्वेशन बनाएंगे, देखो 1,00,000 रुपए आपके पास कैश है, 18,000 का स्टॉक है, 18,000 की लाइबिलिटीज है क्रेडिटर और 1,00,000 रुपए आपका कैपिटल है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अगला पॉइंट है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। तीसरा पॉइंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी पे करना बाकी। देखो पे करते हैं तो क्या करते हैं, कैश से माइनस कैपिटल से माइनस। यहां पे लिखा हुआ पे करना बाकी है, बाकी है पे करना, एक तो खर्चा है तो कैपिटल से माइनस हो गया, लेकिन अगर पे करना बाकी है मतलब फ्यूचर में पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो भी है, रेंट है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए एक लाइबिलिटीज होगी नया कॉलम लाइबिलिटीज में। सैलरी जब पे करते तो अच्छा पॉइंट है, सैलरी पे करते थे तो कैश और कैपिटल से माइनस, यहाँ पे करना बाकी है तो एक लाइबिलिटीज में कॉलम बन गया और कैपिटल से हो गया भाई साहब वो माइनस। क्लियर बात, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। इक्वेशन तो देखो 1,00,000 रुपए आपके पास कैश है, 18,000 का आपके पास गुड्स है, 18,000 का एक क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटीज है, 1,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की लाइबिलिटीज है और 99,000 का कैपिटल हो गया। यहां तक तो दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है प्रीपेड रेंट 2,000। प्रीपेड रेंट एडवांस में रेंट पे कर दिया, प्रीपेड रेंट 2000, प्रीपेड रेंट एक तो पैसा दिया तो कैश से माइनस, और प्रीपेड आपके लिए एक नया एसेट्स होता है तो प्रीपेड रेंट नाम का एक एसेट्स में कॉलम बन जाएगा 2,000 रुपए का। क्या हुआ, आपने कैश पे किया तो कैश से माइनस और एक नया कॉलम आ गया एसेट्स में प्रीपेड रेंट का। ठीक है पॉइंट, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। आप देखो ध्यान समझते हैं, देखो 98,000 ये हो गया, 18,000 ये हो गया, 2,000 ये हो गया, 18,000 ये है आपका, 1,000 आउटस्टैंडिंग और 99,000। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आपको डाउट नहीं है। अगला पॉइंट पेड टू क्रेडिटर वाला, अब ध्यान से समझता हूं। देखो हमने क्रेडिटर को 17,500 पे किया तो क्रेडिटर कम हो गया, देखो ये रहा पॉइंट 17,500 पे किया फुल सेटलमेंट, तो देखो जैसे ही हमने 17,500 पे किया तो हमारा कैश 17,500 रुपए से कम हो गया। लेकिन एक बात बताओ, लिखा है फुल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर, फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब आपको क्रेडिटर को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। इट्स मीन कि आपका क्रेडिटर तो भाई पूरा 18,000 खत्म हुआ, क्योंकि क्रेडिटर तो 18,000 के थे, 17,500 पे किया और 18,000 का हिसाब किताब निपटा दिया। बोले सर हमें तो फायदा हो गया 500 रुपए का, वेरी गुड, 500 रुपए कैपिटल में प्लस। पॉइंट क्लियर है, 18,000 मतलब क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट, तो क्रेडिटर पूरा खत्म, बट आपने पे किया 17,500 तो 17,500 आपके कैश से कम हुआ और आपको हुआ है बेनिफिट 500 का तो कैपिटल में। क्लियर पॉइंट, देन फिर न्यू इक्वेशन, तो घटा देंगे 17,500 98,000 में से, 98,000 माइनस 17,500 80,500 आ गया, ये 18,000, ये 2,000, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1,000 और ये हो गया आपका 99,500। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, स्क्रीनशॉट लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है क्लियर है, ले लिया, आगे देखो। देखो मैं कुछ एक दो पॉइंट और बताता हूँ, ध्यान रख सुन लो थोड़ा बात। जैसे मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 20% प्रॉफिट, तो देखो 10,000 के गुड्स बेचे तो गुड्स में से 10,000 माइनस हो जाएंगे, और देखो 10,000 के गुड्स से बोला 20% प्रॉफिट यानी 2,000 का प्रॉफिट, यानी आप 12,000 में बेच रहे होगे, तो कैश में 12,000 प्लस, अगर कैश में बेचा है, उधार बेचा होता तो डेटर में प्लस हो जाता और फायदा हुआ तो कैपिटल में 2,000 रुपए प्लस। ठीक है पॉइंट, ऐसे आपको मान लो लिखा है, मान लो आपके पास गुड्स है पहले वाले इक्वेशन में 60,000 और नीचे लिखा है 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, तो कोई गुड्स है 60,000 के, 60,000 का 1/3 होता है 20,000 के गुड्स, और 20% लॉस यानी 4,000 के लॉस, यानी आपने 16,000 में बेचा होगा, पर समझे वर्किंग नोट, 60,000 के गुड्स से उसका 1/3 यानी 20,000, अब बोला 20% लॉस तो 4,000 का लॉस यानी 16 में बेचा, तो गुड्स आपने बेचा और किसको, मान लो गुप्ता को, गुप्ता को बेचा हमने, नाम दिया तो उधार है, तो गुड्स आपके कम होंगे कितने से 20,000 से,
उधार बेचा, डेटर बढ़ेगा गुप्ता कितना 16,000, फायदा नहीं लॉस हुआ भाई, लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस कर देंगे 4,000। ठीक है भाई, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, एक पॉइंट है माले लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, मालिक बिजनेस से निकाल रहा है ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग होता तो पैसा निकाला, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से भी माइनस। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चन करो, एक से लेकर 10 तक आपका होमवर्क है, आराम से 10 तक क्वेश्चन करो, कोई डाउट होता तो हम यहाँ बैठे आपके लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, और आज आपका अकाउंट इक्वेशन का लेक्चर 4 है, और आज मैं आपको बुक के कुछ सेलेक्टिव 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और इसी के साथ आपके लिए होमवर्क होगा। पिछले क्लास में मैंने आपको 10 तक होमवर्क दिया था, और आपका आज जो भी टॉपिक है 16 तक इसके क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। एक टॉपिक इस चैप्टर में और है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो करते स्टार्ट आज जो आपका टॉपिक है उसको। तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक एक करके दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन में देखो पॉइंट्स को पहले समझो, लिखा पेपर अकाउंटिंग इक्वेशन, ये पॉइंट्स है 3, तो पहले मैं इक्वेशन बना देता हूँ, फिर साथ के साथ पॉइंट्स पढ़ेंगे और समझेंगे। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें तीसरा पॉइंट काम का है बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर जो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो पहला पॉइंट है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए कैश के साथ, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत कॉमन हो चुका है अब तक, अगर आप इस लेक्चर पे पहुंच गए थे। स्टार्ट किया बिजनेस, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट किया बिजनेस, एक तो बिजनेस में कैश आएगा, और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है वो आपका कैपिटल होता है, तो कैपिटल आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल यही है आपको करना है, पहला पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। आपने गुड्स खरीदा, ये भी पॉइंट आपका करा हुआ, परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदा तो आपके पास गुड्स यानी स्टॉक आएंगे 50,000 के, आपने गुड्स खरीदे 20,000 कैश में खरीदा तो कैश से माइनस, और 30,000 का उधार खरीदा तो लायबिलिटीज होगा आपका। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा इस पॉइंट में, क्लियर है पॉइंट। पॉइंट था कि 30,000 का आपने गुड्स खरीदा कैश में, और 20,000 का उधार, तो 20,000 का कैश में खरीदा तो कैश से माइनस, 30,000 उधार तो लायबिलिटीज, टोटल 50,000 के गुड्स आ गए, क्लियर पॉइंट। अब देखो ये कितना हो गया, ये घट गया तो 80,000 रुपये ये बच गया, 50,000 ये हो गया, 30,000 रुपये ये है आपका, और 1,00,000 रुपये का कैपिटल है। अगला पॉइंट थोड़ा काम का है, सोल्ड गुड्स वाला, थोड़ा ध्यान से देख लेना, पहले पॉइंट्स को समझ लेते हैं। और दोनों पे आपको 20% का प्रॉफिट कमा रहे, तो ध्यान से देखना पहले, कुछ गुड्स हमने कैश में बेचा, ठीक है कलर चेंज करता हूँ, कैश में बेचा हमने 10,000 गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, और कुछ हमने क्रेडिट में बेचा, तो क्रेडिट में बेचते तो याद होगा आपको, उधार बेचोगे तो आपका डेटर बढ़ेगा, और कैश में बेचोगे तो कैश बढ़ेगा, इसका कॉस्ट है 15,000, लेकिन हम इतने भी नहीं बेच रहे, हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं 20%, तो यहाँ 20% यानी 2,000 का प्रॉफिट यानी 12,000, यहाँ 3,000 का प्रॉफिट यानी 18,000, 20% निकाल दिया, यानी क्या है कि हम 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच रहे हैं, और 15,000 के गुड्स 18,000 में बेच रहे हैं, यही मतलब हुआ इसका। 10,000 जो कैश वाला कॉस्ट है उसमें 2,000 प्रॉफिट जोड़ तो 12,000 हो गया, 15,000 जो क्रेडिट वाला कॉस्ट है जैसे डेटर बढ़ने की बात आ रही है उसमें 20% जोड़ा 3,000 तो 18,000 आ गया। तो हम कुछ गुड्स कैश में बेच रहे हैं, कुछ उधार कैश वाले का कॉस्ट प्राइस है 10 जो कि 12 में बेच रहे हैं, क्रेडिट वाले का कॉस्ट प्राइस है 15 जो कि हम 18 में बेच रहे हैं। तो देखना ध्यान से बंदा इसको बेच रहे हैं, गुड्स बेचा तो गुड्स आपके 25,000 रुपए का आपने बेच दिया, 25,000 गुड्स से माइनस, लेकिन हम बेच रहे 5,000 के फायदे पे, तो फायदा आ गया कैपिटल में, 2,000 यहां फायदा, 3,000 यहां फायदा, यार देखो फायदा ही रहा, 2,000 यहां पे फायदा है, 3,000 ये 5,000 का फायदा, और आपके पास कैश तो सिर्फ 12,000 ही आया, और बाकी उधार है तो बोलोगे सर डेटर है, बिल्कुल सही, बस बाकी जगह कोई फर्क पड़ा नहीं, तो 25,000 के आपके गुड्स कम हो गए, 12,000 आपको कैश मिला, 18,000 आपका उधार है, यानी टोटल 25,000, तो 30,000, तो 5,000 रुपए का फायदा हो,
बस यही एक नया पॉइंट था और काफी अच्छा पॉइंट था, न्यू क्वेश्चन बना दो, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 92, 25, 18,000, 30,000 और ये 105,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। भाई साथ नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कौन ये क्वेश्चन है, इसका अगले पेज पे बना देते पहले स्टार्टिंग, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। सीरियल नंबर ट्रांजेक्शंस, इसलिए मैंने यहाँ पता लगा कि बहुत सारे एसेट्स आने वाले हैं यहाँ पे। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस, थोड़ा सा एडजस्ट करके करना पड़ेगा, देखते हैं आना जाना चाहिए। देखो पहला पॉइंट आपका, दीप महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, 1,00,000 चेक, 60,000 गुड्स, मशीनरी 1,00,000 फर्नीचर। मतलब देखो स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें लगाई है, याद भी रखना भूल जाएंगे हम। कैश है 50,000, चेक है 1,00,000, इतना याद रखते हैं पहले। स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, कैश लगाया कितना तो 50,000, चेक यानी बैंक, बैंक कितना 1,00,000, और क्या है भूलिए, इतने बड़े इतनी चीजें लगाई कि भूल गए हम। कैश के बाद चेक के बाद अगला है गुड्स मशीनरी फर्नीचर, गुड्स, गुड्स यानी स्टॉक 60,000, फिर मशीनरी 1,00,000 है, मशीनरी, हाँ मशीनरी 1,00,000 और फर्नीचर 50,000, मशीनरी 1,00,000 यहीं खत्म हो गया जगह, और फर्नीचर 50,000, थोड़ा जगह एडजस्ट करना पड़ेगा ना, लाइबिलिटी 0 है, और कैपिटल में देखो कितना 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 60,000 टोटल जितना भी हम लगाते हैं स्टार्टिंग में टोटल कैपिटल। पॉइंट देख लो क्या था, बिजनेस स्टार्ट के डी महापात्रा, बुक का 15 नंबर क्वेश्चन है, बुक आपका सब बुक खोल के बैठो ज्यादा बढ़िया रहेगा। डी महापात्रा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपए कैश लगाया, 1,00,000 रुपए चेक लगाया, 60,000 का स्टॉक लगाया, 1,00,000 की मशीन लगाई और 50,000 रुपए फर्नीचर लगाया। तो जितना भी पैसा लगाया स्टार्टिंग में टोटल कैपिटल होता, तो टोटल आपका कैपिटल में आ गया 3,60,000 रुपए। क्लियर पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड जो है आपका, वो ध्यान से यहां देखो, लिखा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, इसको हम थोड़ा यहां वर्किंग में डालते हैं, लिखा 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, तो देखो गुड्स आपके पास 60,000 के है, वर्किंग में साइड में लिख रहा हूं 1/3 ऑफ गुड्स, तो गुड्स आपके पास 60,000 है यानी 20,000 के गुड्स हो गए, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, उसको हम 10% प्रॉफिट में बेचे हैं, 2,000 का प्रॉफिट यानी आपने 22 में बेचा होगा, फिर लिखा हाफ पेमेंट रिसीव इन कर, लेकिन आपको सिर्फ आधा पैसा मिला नहीं, 11,000 आपको मिल गया, 11,000 मिलना बाकी है, समझा, गुड्स का 1/3 किया, गुड्स से 60,000 का, उसका 1/3 हुआ 20,000, बोला 10% प्रॉफिट यानी 22 में बेचा, 11 आपको मिल गया, 11 मिलना बाकी, क्लियर पॉइंट। इसको यहाँ पे दिखा देते हैं सोल्ड गुड्स, देखो आपने कहा तो समझ गया 20,000 के गुड्स बेच दिए, तो 20,000 गुड्स से माइनस हो गए, 22,000 में बेचा तो 2,000 का आपका फायदा हुआ, तो कैपिटल में आ गया, लेकिन भाई आपको सिर्फ आधा ही पैसा मिला है, तो 11,000 मिल गया, बाकी मिलना बाकी है, तो डेटर, देखो जगह नहीं बड़ी डेटर के लिए, अभी एक और एसेट्स आएगा, कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे की जगह बना के, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह जीरो, ठीक है भाई। फिर हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन, तो देखो 61,000 आपका कैश है, 1,00,000 रुपए का आपके पास बैंक है, 40,000 के आपके पास गुड्स है, 1,00,000 रुपए की मशीनरी है, 50,000 का फर्नीचर है, 11,000 डेटर है, 0 लाइबिलिटीज है, 362 का कैपिटल है। क्लियर पॉइंट, सेकंड तक, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन बोला गया, लगा दो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, देखो मशीन ये थी 1,00,000 रुपए की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन बोला यानी 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 10,000 ही कैपिटल से माइनस हो जाएगा, पर पता था ना किसी भी एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट्स में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है भाई। न्यू क्वेश्चन, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, तो न्यू पॉइंट जो आपका अगला है वह है आपका 61,000 हो गया, ये 1,00,000 रुपए, 40,000, ये थोड़ा सा बोर्ड बीच में काम करना बंद कर दिया था, 40,000, 90,000, 50,000, 11,000, ये जीरो,
और ये 352 आ गया, खिचड़ी बन गई थोड़ी सी ना। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका देखो क्या है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सन, 10,000 रुपए पर्सन लिस्ट के निकाला, विड्रॉन कैश विड्रॉन, विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग हो गई, कैश निकाला तो कैश कम हो जाएगा भाई, और ड्रॉइंग कैपिटल से भी माइनस हो जाता है तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, और कहीं इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बाकी जगह जीरो। फिर लाइन खींच के एक प्रॉपर न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं कि बहुत एक कलर हो गई, न्यू इक्वेशन, तो इक्वेशन थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, है ना, अब सही थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब ठीक है। न्यू इक्वेशन देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 61 से 1051 हो गया, ये हो गया 1,00,000 रुपये आपके हो गया बैंक। अच्छा काफी बड़ा क्वेश्चन है, 40,000 हो गया आपका स्टॉक, 90,000 के आपके फर्नीचर है, और सॉरी मशीन 50,000 का फर्नीचर है, 11,000 रुपए का आपका डेटर है, लायबिलिटी जीरो है, और 342 का आपका कैपिटल है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है शायद, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, देखो ड्राइंग ये नहीं, देखो 10,000 की ड्राइंग है, ध्यान समझना है पॉइंट को, 10,000 की ड्राइंग है, उस पे 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी 500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। ये बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो ऐसी एडजस्टमेंट्स है जो कभी भी अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल में ही प्लस होगी, कैपिटल से ही माइनस होगी। मैं यहाँ पे इसको किसी दूसरे लाइन से अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूँ, ध्यान रखना ये प्लस माइनस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन वही बन जाएगी वापस, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन वही बन जाएगी, इक्वेशन अगर मैं बताऊं तो सेम बनेगी, 51 आपका कैपिटल होगा, 1,00,000 रुपए ये हो गया, 40,000 रुपए का आपका अगला जो भी था गुड्स, 90,000 की मशीन, 50,000 रुपए का आपका फर्नीचर, 11,000 का डेटर, लाइब्रेरी जीरो, और कैपिटल हो जाएगा वही सेम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो इक्वेशन पहले थी वही इक्वेशन वापिस आ गई, तो दो ऐसे पॉइंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेकंड वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दो ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता 10,000, देखो हमने गुप्ता को 10,000 के गुड्स बेचे, एंड रिसीव ए बिल रिसीवर फॉर द सेम फॉर 3 मंथ्स, अब बदले में एक बिल मिल गया, देखो गुड्स तो बेचे लेकिन बदले में कैश नहीं मिला, उस बदले में मिला 20,000, कितने गुड्स बेचे 10,000 के, देखो 10,000 के गुड्स बेचोगे तो गुड्स में से 10,000 माइनस हो जाएगा, और बदले में एक नया एसेट आएगा डेटर, तो डेटर का कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, मतलब बीआर का कॉलम बनेगा, एक जगह नहीं है तो मैंने बना दिया, बीआर का एक कॉलम बनेगा डेटर के आगे लिख देते हैं, यहाँ पे एक नया एसेट आएगा बीआर 10,000 का, और कहीं कोई फैक्ट पड़ा नहीं, बाकी जगह जीरो, ठीक है। तो मैं लाइन खींच के ढंग से लिख देता हूँ, ध्यान से समझना बात को, क्या क्या आया है आपका, जो आपके एसेट्स पहले से थे वो तो है, 51 का आपका कैश है, 1,00,000 रुपए का आपका बैंक है, गुड्स हो गया 30,000, 90,000 की आपकी मशीन थी, 50,000 रुपए का आपका फर्नीचर था, 11,000 का डेटर था, बगल में एक और बीआर आ गया 10,000 रुपए का बीआर, लायबिलिटी जीरो, कैपिटल 342। इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज तो है ही नहीं, और सातवां पॉइंट है बीआर मैच्योरिटी, बीआर से पैसा मिल गया 3 महीने बाद, डेट आई बीआर से पैसा मिल गया, पैसा मिलेगा तो क्या होगा, आपका बिल खत्म, तो बिल में से माइनस कर देंगे और कैश में कर देंगे भाई प्लस, ठीक है बस कर दिया, देन न्यू इक्वेशन बनाने बाकी जगह जीरो। तो न्यू इक्वेशन अगर बनाऊं तो देखो 61 आपका कैश हो गया, 1,00,000 रुपए का बैंक है, 30,000 रुपए के गुड्स है, 90,000 की मशीनरी है, 50,000 रुपए आपके फर्नीचर है, 11,000 का डेटर है, बीआर तो खत्म, लायबिलिटी जीरो, कैपिटल 340। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन हो गया खत्म, क्लियर है बात। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको देख लेना स्टार्टिंग से, मैं स्टार्टिंग के दिखाता हूँ, आप नोट भी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्टार्टिंग का था पहले 4 अंक 3, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा हम इसको नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है स्क्रीनशॉट आप यहाँ का ले लो, छोटा बड़ा हो रहा है। अब ध्यान से समझना इसका, मैं आपको एक चीज और बताऊँ, बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन आता है, बैलेंस शीट बनाने को किस क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जहाँ पे बोला है बैलेंस शीट बनाओ, कुछ भी नहीं करना, अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया, बैलेंस शीट कोई बड़ी चीज नहीं, हलवा आया तीर, कोई बड़ा तीर नहीं मारना। देखो बैलेंस शीट का जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है, लायबिलिटीज अमाउंट
एसेट्स, ध्यान समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इधर की साइड जितने भी एसेट्स है वो सब एसेट्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। इधर आपका लाइबिलिटीज आता है और कैपिटल आता है। अकाउंटिंग में तीन ही चीजें तो होती हैं, बस खत्म, इतना ही है। जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन की बैलेंस शीट की बात करूं, जो हमने पिछला क्वेश्चन बनाया तो टोटल करके ना बराबर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट अगर मैं दिखाऊं, दिखा के आपको जितनी भी चीजें हैं उनको लिखना है, बस ऊपर फॉर्मेट हो गया। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट की बात करूं, क्वेश्चन को पीछे उठा लेते हैं। देखो एसेट्स में सबसे पहला था कैश 61,000, तो पहला एसेट था कैश 61, दूसरा था बैंक 1,00,000, वापिस से जाते हैं, फिर तो आपका 30,000 रुपए का गुड्स, 90,000 की मशीनरी। गुड्स है मतलब स्टॉक है 30,000 का, मशीनरी है 90,000 की, फिर आपका फर्नीचर था कितने का, 50,000 रुपए का, और क्या है, फर्नीचर के बाद मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, फिर डेटर था 11,000 रुपए का, डेटर था 11,000 का। इधर की साइड लाइबिलिटीज, तो अगर मैं लाइबिलिटीज होती तो इस क्वेश्चन में था ही नहीं, होता जैसे क्रेडिटर कोई और भी लाइबिलिटीज होती तो लिखते, पर इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज थी नहीं। अब आपको जोड़ना है, दोनों साइड हो जाएगी इक्वल। तो देखो इस साइड का तो आपको पता ही है 342 है, क्योंकि एक ही चीज है। लाइबिलिटीज हो सकती थी क्वेश्चन में, होती ना अकाउंटिंग क्वेश्चन में लाइबिलिटीज, तो जो भी लाइबिलिटीज होती है लिख देते, बट इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखने की जरूरत है आपको। तो बहुत आसान सा है जो आपको ये बनाना है, आपको 342 इधर आ गया, बस बन गया बैलेंस शीट। मतलब आपको क्या करना है, आखिरी इक्वेशन जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की, उस इक्वेशन को उठा के लिख देना है। जितने भी एसेट्स है इस साइड में आ जाएंगे, जो भी लायबिलिटीज और कैपिटल का इस साइड में आ जाएगा, लिख दो टोटल करो तो मैच हो गया खत्म। यही आपका है बैलेंस शीट। अगर किसी क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट बनाने को, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद उसको बना सकते हो। तो इसी के साथ आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक है वो खत्म होता है। अब आप जितने भी बुक के क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे कर लो, कोई डाउट्स होता है तो हमसे पूछो, मैं बैठे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। इसमें एक और टॉपिक है चैप्टर के अंदर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारा पांचवा लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन का और आखिरी लेक्चर भी है। इसी के साथ आपका पहला जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, ये आपका कंप्लीट होता है इस लेक्चर के बाद। और आपको बुक के जितने भी क्वेश्चन है, 1 से लेकर 30 तक 28 तक 26 तक, जो भी आपके बुक है, जो भी बुक आप प्रेफर करते हो, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और कोई डाउट्स होता है तो हम बैठे हैं, आप हमें कमेंट्स करो, और आगे हम किसी भी लेक्चर के अंदर किसी भी टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो आपके कमेंट्स को देख के उस डाउट्स को वहां पे डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज जो हम पढ़े, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, जिसमें हम टेबल वाले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे। तो इस चैप्टर में दो टॉपिक, एक तो वो था, और एक टॉपिक इस चैप्टर में है जहाँ पे हमें फॉर्मूले से प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये सब निकालना होगा। जैसे आपको पीछे दिख भी रहा होगा कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस, तो यही सब हम निकालना सीखेंगे। यहाँ से एक छोटा सा 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, डिपेंड करता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी थी और कैसे क्वेश्चन करना है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ इसके लिए फॉर्मूले हैं, तो पहले हम उन फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो फॉर्मूलों को मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूलों को अच्छे से लिख लो, फॉर्मूले के बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट होगा। तो करते हैं स्टार्ट, पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले के। फॉर्मूले याद रखना, अच्छे से लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सर, टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, टाइप वन की अगर मैं बात करूं, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। भाई भाई साहब थोड़ा सा चेंज करो, मुझे लाइबिलिटीज निकालनी है। तो लाइबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलोगे सर एसेट्स माइनस कैपिटल, बिल्कुल सही। तो वही अगर मुझे कैपिटल निकालना हो तो बोलोगे सर थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो पहले टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होंगे, आपको कोई भी 3 चीजें दी गई होंगी, मतलब इन 3 में से कोई भी 2 चीजें दी गई होंगी और एक तीसरा चीज आपको फाइंड आउट करना होगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पहला ये है। दूसरे की बात करते हैं, टाइप 2 के जो क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा और एडवांस दे दिया। तो एक फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है। साथ में अगर कोई प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू दिया हुआ है तो प्लस, और प्रॉफिट रेवेन्यू प्लस हो गया,
और माइनस कर देंगे अगर एक्सपेंसेस या फिर लॉस या सिंपल सा लॉजिक याद रखो, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है और लॉस से कैपिटल घटता है, इसलिए प्रॉफिट प्लस और एक्सपेंस या लॉस माइनस। अब टाइप थर्ड, थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको, तीन ही तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो इसके लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ये बहुत काम का फॉर्मूला, आगे एक चैप्टर में और काम आएगा, ये सेकंड टर्म में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है, हमें साल के एंड की कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल दिया एडिशनल और पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ेगा प्लस प्रॉफिट हुआ, कैपिटल बढ़ेगा प्लस ड्रॉइंग किया कैपिटल घटेगा माइनस, प्रॉफिट जी का लॉस होता तो प्रॉफिट प्लस है तो लॉस हो जाता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ ब्लू से, अगर इस प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो माइनस हो जाता, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। अब देखो मान लो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो फॉर्मूले को इंटरचेंज कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल सी फॉर क्लोजिंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। वही मान लो मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो बस आपको एक फॉर्मूला आ रहा है, एक से इंटरचेंज, प्रॉफिट निकाल तो फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है सी फॉर क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस। तो देखो ये तीन तरह के फॉर्मूला, आप इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फॉर्मूला लगेंगे, ध्यान रखना मैं किसी दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो पहला ये है आपका, तो अगर दो चीजें दी हो तीसरा निकालना है तो एसेट्स निकालना है तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल निकालना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज निकालना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल, ये तीन तरह के, मतलब दो इन्फॉर्मेशन दिए गायब है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे आप। सेकंड में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो कोई प्रॉफिट या रेवेन्यू दिया तो प्लस, एक्सपेंस या लॉस दिया तो माइनस, तब ये दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी, एडिशनल कैपिटल भी है, प्रॉफिट भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई तो आप ये थर्ड वाला स्टेप के फॉर्मूला लगाओगे, और डिपेंड करता है कि आपके पास क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है या ओपनिंग कैपिटल निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, उसके हिसाब से ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, लेकिन हाँ पहले आपके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख के याद कर लो, अभी तो आपको याद ही होंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप फॉर्मूले को रजिस्टर में नोट कर लो पहले और अपने सामने रख लो, उसके बाद आगे बढ़ो तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे फॉर्मूले को, ठीक। बाकी जो आगे की बात की जाए तो आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिया भाई, फिर उस हिसाब से हम अपना दिमाग यूज करेंगे। तो लिखा है इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 3 लाख, आपको कैपिटल दे रखा है कि अगर बिजनेस का कैपिटल 3 लाख रुपए है एंड लाइबिलिटीज इज 50,000, लाइबिलिटीज 50,000 एंड फिर लिखा लॉस 70,000। तो भाई साहब आपसे पूछा है कि बताओ एसेट्स कितना होगा, सीधा सा सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और लॉस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते, तो लाइबिलिटीज 50,000, बहुत सिंपल फॉर्मूला, कैपिटल है 3 लाख और लॉस है 70,000, यानी 2,80,000 रुपए आपका कैपिटल आ गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर बात, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, क्वेश्चन सेकंड, अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या बोला गया इसमें। तो अगर हम क्वेश्चन सेकंड की बात की जाए तो लिखा है इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज 1,30,000, मतलब आपको एसेट दे रखा है कितना है 1,30,000 लिखा है एंड नेट वर्थ, तो ये बात अगर जो मैंने कैपिटल बताया था आपको, कैपिटल के और भी नाम होते हैं, कैपिटल नेट एसेट्स नेट वर्थ ऑनर इक्विटी, तो ये सारे नाम होते हैं कैपिटल के, तो आपको मतलब नेट वर्थ का मतलब क्या, कैपिटल दिया हुआ है कितना भाई 80,000 रुपए, और आपसे पूछा बताओ क्रेडिटर, पूछा क्रेडिटर का मतलब क्या, लाइबिलिटीज पूछी गई है, तो सीधा सा फर्स्ट वाला टाइप का फॉर्मूला, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, कोई दिमाग में ज्यादा लॉजिक हो, ज्यादा कोई तीर मारना ही नहीं, सिंपल है। तो 1,30,000 का एसेट्स है, 80,000 का कैपिटल है, तो 50,000 रुपए आपकी लाइबिलिटीज आ गई, बोलोगे सर ये तो बिल्कुल हलवा है, एक्चुअली में हलवा है, ठीक है क्लियर बात, तो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लो, आप वीडियो रोक के भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखो, देखो थोड़ा सा एडवांस है, क्या क्या दिया देखते हैं। लिखा है एक कमेंस इज बिजनेस ऑन 1st अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। लिखा है 1 अप्रैल का बिजनेस स्टार्ट किया और 1 अप्रैल का कैपिटल बता रखा है आपको कि 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल जो वो 30,000 की, ठीक है। फिर लिखा है ऑन 31st मार्च 2019, ये 1 अप्रैल 2018 था, तो 31st मार्च 2019 को एसेट्स वर्थ, एसेट बता रखा कितना है भाई 50,000 एंड लाइबिलिटीज कितना 10,000, ये इन्फॉर्मेशन है। आपने बोला है फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। एक तो आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछा, देखो ध्यान समझो बात को, क्लोजिंग पे एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया है तो क्लोजिंग का कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है, क्लोजिंग का एसेट्स माइनस क्लोजिंग की लाइबिलिटीज, तो क्लोजिंग पे एसेट्स है 50,000, लाइबिलिटीज है 10,000, यानी क्लोजिंग पे कैपिटल कितना हो गया 40,000। अब दूसरा आपसे पूछा प्रॉफिट, तो देखो सिंपल समझो यार, एडिशनल कैपिटल ये सब तो कुछ है तो बड़ा वाला फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं, इसी तरह देखो साल के शुरू में 30,000 की कैपिटल थी और एंड में हो गई 40, तो प्रॉफिट कितना, बोल के सर 10,000, बिल्कुल सही फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो साल के एंड पे कैपिटल 40,000 हो गया और पहले तो वो सिर्फ 30,000 था, तो 10,000 रुपए हमने प्रॉफिट कमाया। हमने लास्ट वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि एडिशनल कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में नहीं दी, अगर ये सारी चीजें दी होती तो फिर आपको लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट जो लॉन्ग सा फॉर्मूला है। क्लियर बात, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मजा आ रहा होगा करने में, बहुत ही आसान सा टॉपिक और यहां से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, चुटकियों में क्वेश्चन बनेंगे फटाफट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें दो पार्ट है, हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट देखो लिखा है, कैपिटल दे रखा और लाइबिलिटीज दिया, पूछा फाइंड आउट द एसेट्स, एसेट्स पूछा आपसे, तो सीधा सा फॉर्मूला लगाओगे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आपको भाई लाइबिलिटीज दिए 15,000 का गुड्स खरीदा पैसा नहीं, तो लाइबिलिटीज हो गया ये और 75,000 रुपए का आपका कैपिटल है, यानी 90,000 आ गया आपका एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब देखो आगे देखो लिखा है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन इससे इंटरकनेक्टेड है, लिखा है 1 महीने बाद क्या हुआ, तो दो बातें हुई, लिखा ही कम्स टू नॉट डेट सफरिंग ए लॉस, इनको 1700 रुपए का लॉस हुआ एंड ही विड्रॉ 800 फॉर पर्सनल और 800 रुपए की ड्रॉइंग है, तो अब बोला गया कि बताओ अब कैपिटल कितना होगा एसेट्स के, तो देखो मैं कैपिटल की बात करता हूं आफ्टर 1 मंथ कैपिटल, तो देखो पहले जो इसकी कैपिटल थी वो 75,000 थी, अब एक बात बताओ लॉस से कैपिटल क्या होगा, बोल के सर कम होगा, ड्रॉइंग से कैपिटल क्या होगा, बोल के सर कम होगा, तो नई कैपिटल कितनी होगी 72,500, समझा क्या था, पहले कैपिटल था 75,000 का, एक लॉस हुआ एक ड्रॉइंग, तो लॉस और ड्रॉइंग दोनों से ही कैपिटल कम होता है, तो दोनों ने आप दोनों को आपने माइनस कर दिया, नई वाली कैपिटल आ गई। अब पूछा एसेट्स बताओ, बता देते भाई एसेट्स, एसेट्स का फॉर्मूला है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज में तो कोई चेंज हुआ नहीं, जो था वही रहा यानी 15,000, लेकिन जो कैपिटल था वो बदल के 72,500 हो गया यानी 87,500 आ गया, खत्म। क्लियर बात, पहला दूसरा पार्ट दोनों पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मेरे हिसाब से नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्लियर है, कोई डाउट हो कमेंट करो, हम हैं आपको रिप्लाई देने के लिए, कमेंट करते ही नहीं यार, कमेंट करके पूछा तो करो पता चले कनेक्टेड कितना हो, चुपचाप देखते हो वीडियो और कभी बंद करो तो लाइक करते हो वरना निकल जाते हो, अरे इतनी मेहनत कर रहा हूँ कम से कम पता चले कि हाँ हमने देखा है सर हमें थोड़ा बेनिफिट मिला है, बताओ तो सही, क्रेडिट दिया करो, अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है टू डू मोर वर्क। आगे देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1st अप्रैल विद ए कैपिटल ऑफ 25,000, बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाया यानी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, ध्यान से सब कुछ जो दिया वो लिखना इसमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है, ओपनिंग कैपिटल हो गया 25,000 रुपए, फिर लिखा एंड ही लोन और 12,500, लोन दिया लोन यानी लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज लिख देता हूँ, लोन है लाइबिलिटीज 12,500 रुपए की लाइबिलिटीज है, फिर लिखा है श्याम से लिया था, ड्यूरिंग द ईयर ही हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 12,500, एडिशनल कैपिटल दे रखा भाई, एडिशनल कैपिटल दे रखा है कितना 12,500, फिर लिखा एंड ही विड्रॉ 7,500 पर्सनल यानी ड्राइंग दिया हुआ है 7,500 की ड्राइंग है, फिर लिखा 31st मार्च को यानी साल के एंड पे एसेट्स, एसेट्स है एंड पे एसेट दे रखा है कितना भाई 75,000, अब बोला फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, देखो ध्यान समझना, क्लोजिंग कैपिटल निकालता हूं पहले, आपको क्लोजिंग पे एसेट बता रखा है
और देखो साल के शुरू में लाइब्रेरी दी थी कि हमने 12,500 का लोन लिया, कुछ नहीं हुआ तो एंड पे भी इतना ही रहेगा। तो सेम तो एसेट्स था 75,000 का और लाइब्रेरी था 12,500, यानी 62,500 आ गया आपका, है ना। 75,000 माइनस 12,500 देख लेते हैं, 75,000 माइनस 12,500 ना 62,500 आपका आ गया कैपिटल। दूसरा आपसे पूछा प्रॉफिट, देखो ध्यान समझना बात को, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी, ड्रॉइंग भी, तो सारी चीजें हैं। तो बड़ा वाला फॉर्म लगाया प्रॉफिट के, मैंने बड़ा सा फॉर्म लिखा था प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग। तो बस लग दो वैल्यू, क्लोजिंग कैपिटल है 62,500, ओपनिंग कैपिटल है 25,000, एडिशनल कैपिटल है भाई 12,500 और ड्राइंग है 7,500। प्लस माइनस करते हैं, 62,500 माइनस 25,000 माइनस 12,500 प्लस 7,500, तो 32,500 रुपीस प्रॉफिट आ गया। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन ध्यान समझो। तो क्लोजिंग पे एसेट्स दिया था और आपको लाइब्रेरीज दी थी, तो एसेट्स और लाइब्रेरीज को घटाया आपने तो कैपिटल निकल गया और फिर प्रॉफिट का बड़ा फॉर्मूला लगा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको दो दो फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे, एक छोटा फॉर्मूला जिससे आप एसेट्स लाइब्रेरीज को एक मिसिंग होगा वो निकालना होगा, फिर एक बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे जहां से आप एक दूसरी चीज जो मिसिंग वो निकालना होगा। तो एक ये ऐसा क्वेश्चन है, देख लो कहीं कोई दिक्कत हो तो, काफी अच्छा आएगा तो 4 नंबर में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और मैं ऐसा क्वेश्चन और भी डाला है मैंने तो वो भी कराता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते। देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही वाला, इन्फॉर्मेशन थोड़ी अलग है इसकी, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या बोला हुआ है भाई। तो लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। देखो साल के एंड 31 मार्च 2019 पे आपको दो चीजें दी है, एक तो एसेट दे रखा है कि एसेट्स है 2,00,000 रुपए का और लायबिलिटीज है 6,000 रुपए का। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा लगाया जाता है दैट इज एडिशनल कैपिटल, तो आपको एडिशनल कैपिटल दे रखा है कितना 20,000। फिर लिखा है एंड विड्रॉ 12,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग दिया हुआ है 12,000 की ड्राइंग दी है। फिर लिखा है ही मेड ए प्रॉफिट 20,000, प्रॉफिट दिया 20,000। अब पूछा कैलकुलेट द कैपिटल, आपको कैपिटल निकालना है, लिंक कब का, तो डेट है 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग का कैपिटल निकालना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो दो चीजें गायब है, ओपनिंग कैपिटल भी गायब है, क्लोजिंग कैपिटल भी गायब है और एडिशनल सारी चीजें दी गई है। तो बड़े फॉर्मूला लगाने से पहले छोटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो क्लोजिंग पे एसेट्स और लायबिलिटीज दिया, ध्यान से बोलना, तो क्लोजिंग का कैपिटल निकल जाएगा, क्लोजिंग पे एसेट्स भी पता है आपको और लायबिलिटीज भी पता है, एसेट बता रखा है 2,00,000 और लायबिलिटीज है 6,000 रुपए, यानी क्लोजिंग पे कैपिटल 194 आ गया। मेरे हिसाब से लगता है इसमें कोई डाउट होगा, क्लोजिंग का एसेट्स था, क्लोजिंग का लायबिलिटीज था, एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। फिर हमें लगाना निकालना ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल का एक बड़ा वाला जो फॉर्मूला था लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका है 194 माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है 20,000 माइनस प्रॉफिट 20,000 प्लस ड्रॉइंग 12,000। कर लेते प्लस माइनस, 194 माइनस 40 प्लस 12 166 आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल, यही आपको निकालना था, हमने निकाल दिया, बस खत्म, क्लियर बात। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और वो 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए, 10 क्वेश्चन है इसके, 10-12 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिकल में, 5-6 इलस्ट्रेशन भी वो भी कर लेना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने हर एक वैरायटी जितने भी तरह की वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उन सारे क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो उसमें अगर आपको डाउट्स होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो याद रखना आपको क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फिर क्वेश्चन को बारी बारी से करना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, पहली बार थोड़ा सा लगेगा कि यार सर कौन सा फॉर्मूला कभी लगा देते हो, लेकिन जैसे आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता जाएगा हाँ जब इन्फॉर्मेशन इतनी है तो ये वाला फॉर्म लगाना है, इन्फॉर्मेशन इतनी है तो ये वाला फॉर्म लगाना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है ही, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, आपको मेरी बात जरूर मानना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ये चैप्टर आपका इस लेक्चर के साथ खत्म होता है, आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेने हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।